आज की टेक न्यूज में ना हमारे पास में काफी डिटेल्स निकल कर आई हैं वन प्लस के प्रोडक्ट्स को लेकर, जैसे कि वन प्लस 11 के बारे में बात करेंगे, वन प्लस के जो मॉनिटर रहने वाले हैं, जो नए मॉनिटर आ रहे हैं उनके बारे में बात करेंगे, वो वन प्लस नोट सीई 3 के बारे में, इसके बारे में भी कुछ डिटेल्स निकल कर आई हैं, वो भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं वन प्लस 11 से। तो वन प्लस 11 स्मार्टफोन जो है ना वो इसी मंथ प्रोबेबली लॉन्च हो जाएगा चाइना में, लेकिन इंडिया में ये फरवरी या फिर मार्च के अंदर देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर बात करी है जो वन प्लस 11 स्मार्टफोन है ना, ये पहला स्मार्टफोन होने वाला है वन प्लस की तरफ से जिसमें हमें 4 OS अपडेट्स देखने को मिलेगी, यानी कि ये आउट ऑफ द बॉक्स ऑक्सीजन OS 13 के साथ में देखने को मिलेगा। लेकिन उसके बाद में हमें 4 और अपडेट्स देखने को मिलेंगी सॉफ्टवेयर की, जो कि ऑक्सीजन OS 17 तक देखने को मिल सकती हैं। बेसिकली अगर तो ये यूनिफाइड OS ना हुआ तो ऑक्सीजन OS 17 रहेगा, या फिर इन्होंने अगर नेम चेंज कर लिया तो कोई और रहेगा। लेकिन यहाँ पर मेजर 4 अपडेट्स देखने को मिलेंगी और 5 साल की यहाँ पर हमें सॉफ्टवेयर अपडेट्स देखने को मिलेंगी। ऐसा करके इस वन प्लस जो है ना वो सैमसंग के बाद दूसरी कंपनी बन चुका है जो कि 4 साल की सॉफ्टवेयर अपडेट प्रोवाइड करेगी। सैमसंग 4 साल की सॉफ्टवेयर अपडेट प्रोवाइड कर रही है, 5 साल की यहाँ पर सिक्योरिटी अपडेट्स है। इसके बाद में गूगल 3 साल की प्रोवाइड कर रहा था, शाओमी भी 3 साल की प्रोवाइड कर रहा था, लेकिन वन प्लस अभी 4 साल की सॉफ्टवेयर अपडेट यहाँ पर प्रोवाइड करेगा अपने फ्लैगशिप स्मार्टफोन जो कि हमें नेक्स्ट ईयर देखने को मिलेगा। हालांकि ऐसा जो है वन प्लस 11 सीरीज से स्टार्ट होगा। और एक चीज और यहाँ पर नोट करिएगा कि 4 साल की जो सॉफ्टवेयर अपडेट है ना अभी के टाइम ये फ्लैगशिप स्मार्टफोन में ही होगी, जो मिड रेंज या फिर जो बजट कैटेगरी के स्मार्टफोन है इनमें हमें अभी भी 2 या 3 साल की सॉफ्टवेयर अपडेट देखने को मिल सकती है और 3 साल की सिक्योरिटी अपडेट्स देखने को मिल सकती है। इसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पर बात करें देन आप में से सिर्फ 1% लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब करा हुआ है, तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे वीडियोस बनाने के लिए। OnePlus अपने 2 नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने जा रहा है इसी मंथ 12 दिसंबर को, और इसी के साथ साथ ये जो प्रोडक्ट्स हैं इस साल के लास्ट प्रोडक्ट हो जाएंगे OnePlus की तरफ से। और ये जो प्रोडक्ट्स हैं बेसिकली ये मॉनिटर रहने वाले हैं, और एक तो गेमिंग सेगमेंट के लिए रहेगा, गेमिंग या फिर हैवी यूजर्स के लिए, दूसरा यहाँ पर एक नॉर्मल यूजर्स या फिर रेगुलर यूज के लिए आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पर बात करी है जो OnePlus है वो इंडिया में मॉनिटर वाली मार्केट सेगमेंट में एंटर करने वाला है, जिसमें 2 प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। एक तो रहेगा मॉनिटर X27 जो कि ऑफ कोर्स नेम से ही पता चलता है कि ये वाला जो मॉनिटर है ये 27 इंचेस डिस्प्ले वाला रहने वाला है। लेकिन जो दूसरा है वो यहाँ पर E24 रहेगा, वो एक टोटली डिफरेंट कैटेगरी के लिए रहने वाला है जो कि रेगुलर यूजर्स के लिए रहेगा या फिर नॉर्मल यूजर्स के लिए, और इसका जो स्क्रीन साइज है वो 24 इंचेस से यहाँ पर रहने वाला है। जो X27 है ये बेसिकली गेमिंग को यहाँ पर माइंड में रखा है या फिर इसको प्रीमियम मार्केट के लिए आप बोल सकते हैं, जैसे पहले बताया E24 यहाँ पर एक नॉर्मल सेगमेंट के लिए हो सकता है। लेकिन यहाँ पर बात करी है ना जो OnePlus है ऑलरेडी एक टीवी वाले सेगमेंट में एग्जिस्ट करता है, तो उसी की यहाँ पर जो लर्निंग्स है ना OnePlus इंडिया में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि जो टीवी वाला बिजनेस है ना इनका वो काफी ज्यादा फेमस हो चुका है इंडिया में, और 123% ईयर ऑन ईयर यहाँ पर इनकी ग्रोथ भी हुई है। ये चीज जो है ना काफी इनसेन रहने वाली है। तो यहाँ पर इनके 2 नए प्रोडक्ट्स देखे जाए ना जो कि मॉनिटर रहने वाले हैं, वो भी मेरे हिसाब से काफी बड़ा हिट साबित हो सकते हैं इंडिया में। और यहाँ पर लाइकली है कि जो OnePlus है वो काफी अग्रेसिव प्राइस पॉइंट पे इनको लॉन्च कर सकती है, क्योंकि बाकी के जो मॉनिटर वाली कंपनीज है ना जैसे कि सैमसंग जैसी जो कंपनीज है उनको अगर इन्होंने कंपटीशन देना है देन इनको यहाँ पर अग्रेसिव प्राइस पॉइंट पर ही इन प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना पड़ेगा। तो देखते हैं इसमें एक्चुअल में क्या देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पर बात करें ना OnePlus Note CE3 के बारे में, इसके कुछ रेंडर्स निकल कर आए हैं हमारे पास में, और रेंडर से मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जो OnePlus Note CE3 है इसका जो डिजाइन है ना वो हमें Realme 10 Pro Plus जैसा देखने को मिलेगा। बेसिकली बैक का डिजाइन तो वैसा ही देखने को मिलेगा, फ्रंट का तो ऑफ कोर्स वहां पर वैसा नहीं रहने वाला। लेकिन यहाँ पर बात करी है जो बैक में है ना यहाँ पर डुअल कटआउट देखने को मिलेगा, लेकिन जो सेकेंडरी कैमरा का जो कटआउट है ना उसमें आपको 2 कैमरा देखने को मिलेंगे, जो मेन कैमरा का जो एक कटआउट है उसमें एक ही कैमरा रहेगा। लेकिन यहाँ पर बात करी है इसमें हमें इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में भी कुछ डिटेल्स निकल कर आई है डिस्प्ले के बारे में। वेल इसमें हमें 6.7 इंच की डिस्प्ले देखने को मिल सकती है, और यहाँ पर जो डिस्प्ले है ना इस बार वो हमें एमोलेड नहीं देखने को मिलेगी बल्कि यहाँ पर हमें LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगी। वेल ये काफी बड़ी डाउनग्रेड रहने वाली है, क्योंकि लास्ट टाइम हमें यहाँ पर नोट सी 2 में हमें देखने को मिली थी एमोलेड डिस्प्ले, इसमें हमें LCD देखने को मिलेगी, तो ये चीज मुझे अच्छी नहीं लगी। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर हमें 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल सकता है। वेल ओवरऑल यहाँ पर स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करी जाए ना, बाकी के जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो में डिस्कस करूंगा, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर डिस्प्ले के बारे में बात करें ना देन यहाँ पर ये काफी डिसअपॉइंटेड चीज रहने वाली है कि आप लोग यहाँ पर एक एमोलेड को रिमूव करके LCD को यूज कर रहे हैं। ऑफकोर्स हो सकता है कि यहाँ पर हमें थोड़ी बहुत कॉस्ट कटिंग भी देखने को मिल जाए और चीजों में भी, हो सकता है प्रोसेसर भी लास्ट टाइम वाला ही देखने को मिल जाए जैसा यहाँ पर रियलमी ने करा है, बाकी देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन इसी के साथ साथ ना मैंने एक वीडियो बनाई थी WhatsApp डेटा लीक के बारे में जो कि आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं।